पोस्ट मॉडर्निज्म के रिलेटेड को हम लोग देखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेक्चरर स्क्रीनिंग, सॉरी लेक्चरर इंग्लिश, उसके अलावा नेट, सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें पोस्ट मॉडर्निज्म में आज हम लोग इसके मेजर थिंकर्स एंड ऑथर्स के नेम लिख रहे हैं। मेजर थिंकर्स एंड ऑथर्स, ठीक है। तो फटाफट आप इसमें टेबल जैसा बना सकते हैं, जो कल हमने लिखे थे एक टेबल जैसा, या फिर आप अपनी स्टाइल में यहाँ पर लिख सकते हैं जो सबसे पहले सबसे बड़े थिंकर हैं, जिनका नाम मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो उनका नाम है लियोटार्ड, LYOTARD, ठीक है। चाहे तो कंट्री का नाम लिख देंगे लियोटार्ड, ठीक है। और ये कहाँ थे, फ्रांस के लियोटार्ड। और उनका जो वर्क है वो क्या है, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। लियोटार्ड का वर्क क्या है, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। The postmodern condition was translated in 1984 में translate by French to English, ठीक है, कर दो, ठीक है। लियोटार्ड का the postmodern condition 1984 written by लियोटार्ड, a French theorist, ठीक। तो ये मैंने originally किसमें लिखा है, मैं French में, और ट्रांसलेट कब हुआ है इंग्लिश में, ये क्वेश्चन आएगा आपका 1984 में हुआ है, ठीक। उसके बाद दूसरा थिंकर हम देंगे, दो दो थिंकर्स के नेम बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉड्रिलार्ड। सेकंड थिंकर का नाम आएगा पोस्ट मॉडर्निज्म में बॉड्रिलार्ड, ठीक है। बॉड्रिलार्ड अगेन मैं कंट्री का नाम ही लिख रहा हूँ, आप लिख देंगे फ्रेंच। बॉड्रिलार्ड इज अ फ्रेंच थिंकर, एंड इनका जो वर्क है वो है सिमिल्ट्रा एंड सिमुलेशन, सिमिल्ट्रा एंड सिमुलेशन। इस बार के नेट में आया था, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है सिमुलेक्रा एंड सिमुलेशन, ठीक है। ये आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1981 में वर्क आया है सिमुलेक्रा एंड सिमुलेशन। अगेन बॉड्रिलार्ड की कंट्री फ्रेंच है ना, दोनों फ्रेंच है, ये भी सोशियोलॉजिस्ट है। बॉड्रिलार्ड क्या है, फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट है। और मैंने क्या बताया, इसमें इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है डिसअपीयरेंस ऑफ द रियल, disappearance of the real। बहुत बार ये क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी सिंबल, कोई भी साइन अपनी जो ओरिजिनल स्टेज है उसको लूज कर देता है। फोर स्टेजेस बताई इन्होंने, फोर स्टेजेस बताई है इसमें, ठीक है। फोर स्टेजेस ऑफ द disappearance of the real, ठीक है। ऐसे करके लिख देंगे आप फटाफट, मैं आप थ्योरेटिकल ज्यादा कर रहा हूँ। उसके अलावा इनका एक बहुत ही, इनके अंदर ए और बी कर देंगे आप, बॉड्रिलार्ड का दूसरा वर्क दिखा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, The Gulf War did not take place, या फिर did the Gulf War take place, दोनों तरीके से आ सकता है, एक ही बात है, did the Gulf War take place, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब ऐसे है, did the Gulf War take place, जो Gulf War हुआ था हमारा उसका प्लेस है ये, एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा है, did the Gulf War take place, और Gulf War कब हुआ था गाइस, 1991 में, मीडिया में यहाँ पर मीडिया के रोल को बताते हुए कहते हैं कि मीडिया ने एक हाइप क्रिएट करा और इस वॉर को क्रिएट कर दिया, बट एक्चुअल साइट पे कोई वॉर नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दिया है, हाइपर रियलिटी। यहीं से ये टर्म हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया, हाइपर रियलिटी। उन्होंने कहा रियलिटी विच अकर्स वर्चुअली, नोट कर लेंगे वर्चुअली, बोल्ड हाईलाइट कैपिटल, अ रियलिटी विच अकर्स वर्चुअली, एक्चुअल साइट पे अकर ना हो, वर्चुअली अकर हो, उसको हम कहते हैं हाइपर रियलिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है बॉड्रिलार्ड के बारे में, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा हम लोग देखते हैं हेबरमास, तीसरे थिंकर आ गए पोस्ट मॉडर्निज्म में, हेबरमास, HABERMAS, हेबरमास। हेबरमास कहाँ के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्री का नाम आपके इसमें पूछेगा, जर्मनी। हेबरमास इज अ जर्मन थिंकर। और कल मैंने क्या बताया था, पोस्ट मॉडर्निज्म इनलाइटनमेंट है या एंटी इनलाइटनमेंट है, एंटी इनलाइटनमेंट। तो इन्होंने इनलाइटनमेंट को सपोर्ट किया होगा या रिजेक्ट किया होगा,
रिजेक्ट किया हुआ क्योंकि एंटी इनलाइटनमेंट है ना, तो इनका एक वर्क है जो कि इनलाइटनमेंट एज एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये, इनलाइटनमेंट एज एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट, एज एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा इनलाइटनमेंट एज एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट पेपर मार्क्स का, और ही इज एन एंटी इनलाइटनमेंट थिंकर, पूरी क्लास नोट कर लेगी एंटी इनलाइटनमेंट थिंकर है। इनलाइटनमेंट कब आया, मिड 18th सेंचुरी में आया, और हम जानते हैं गाइस कि मिड 18th सेंचुरी में इनलाइटनमेंट जब आया तो ये एक यूरोपियन फिनोमेना था, और इसमें तीन थिंकर्स थे, जल्दी से रिवीजन करा रहा हूं मैं, ठीक है, कौन कौन थे, रूसो जो फादर ऑफ इनलाइटनमेंट रिवॉल्यूशन माने जाते हैं, रूसो की स्पेलिंग भी देख लेंगे, रूसो RUSSEAU, रूसो, और कौन था, लॉक, रूसो लॉक, ठीक है, टाबुला रसा वाले, और एक वोल्टेयर, जॉन वोल्टेयर, ठीक है, रूसो लॉक और वोल्टेयर, इन तीनों को क्या कहा जाता है, ग्रेट ट्रियो ऑफ इनलाइटनमेंट, रिवीजन हो गया है, रूसो लॉक और वोल्टेयर की स्पेलिंग देख लेना, VONTAIRE, रूसो लॉक और वोल्टेयर, इसमें से इंग्लैंड का कौन सा था, दो फ्रांस के थे, एक इंग्लैंड का था, इन तीनों में से फटाफट, लॉक वॉज एन इंग्लिशमैन, ठीक है, वोल्टेयर और रूसो दोनों फ्रेंच है, दोनों क्या है, फ्रेंच, कंट्री का नाम नोट कर लेना, रूसो और पहला और तीसरा फ्रेंच है, और दूसरा जो लॉक है वो ब्रिटिश मैन है, और लॉक का वर्क क्या है गाइस, टाबुला रसा, द माइंड इज अ ब्लैंक टैबलेट, क्या कहा लॉक ने, द माइंड इज अ ब्लैंक टैबलेट, ठीक है, और टाबुला रसा का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, द माइंड इज अ ब्लैंक टैबलेट, ये बोला जॉन लॉक ने, टाबुला रसा है ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, एक और वर्क बता रहा हूँ जॉन लॉक का क्या है, एंड ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, तो ये तीनों के तीनों जो थिंकर्स थे, ये वोल्टेयर ने कहा, इफ गॉड इज इट इज नेसेसरी टू क्रिएट गॉड इफ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, क्या कहा वोल्टेयर ने, इट इज नेसेसरी टू क्रिएट गॉड इफ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ईश्वर का अस्तित्व नहीं है तब भी ये हमारे लिए जरूरी है कि हम उसको पैदा करें, एक तरीके से याद रखना, वोल्टेयर जो है एथिस्ट थे, नास्तिक थे, और उन्होंने जो चर्च में संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स थी, कुरीतियां थी, उन पर कड़ा प्रहार किया है, वोल्टेयर कैंडिडे के लिए जाने जाते हैं, मैं उन बक्स पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ आज की क्लास में, जो थोड़ा सा हम लोग को याद नहीं है, अभी क्वेश्चन आपका नेट में आएगा, लेक्चर में आएगा, तो वोल्टेयर ने क्या लिखा, एक ही वर्क लिखा रहा हूँ, मगर सबसे इम्पोर्टेंट है कैंडिडे, वोल्टेयर का वर्क है ये, कैंडिडे, जनरली वोल्टेयर के वर्क हमें याद नहीं रहते, रूसो के तो आप सबको याद होने चाहिए, अगर याद नहीं तो फिर भी मैं बता देता हूँ, रूसो का क्या है, अगर हम देखते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का बहुत फेमस वर्क है, क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो आप बाद में भी लिख सकते हैं, पॉइंट ये है कि आप उसको समझ लीजिए जो मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा रूसो का सबसे इम्पोर्टेंट है उनकी जो है रूसो की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, कन्फेशंस, ठीक है, और एमिली, ये तीन वर्क्स हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एमिली और कन्फेशंस, ये रूसो के तीन वर्क्स हैं, क्या क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध, एमिली और मैंने क्या बोला, कन्फेशंस, और वोल्टेयर का लिख दिया मैंने कैंडिडे, CANDIDE, वोल्टेयर का, लॉक के बारे में बता चुका हूँ, तो ये तीनों जो थिंकर्स थे इन्होंने किस पर फोकस करा पूरी क्लास मेरे साथ, रीजन पर, तर्क पर, और पोस्ट मॉडर्निज्म क्या कहता है, कोई भी चीज जिसमें हम तर्क ढूंढ रहे हैं वो अपने आप में बेबुनियाद है, वो कहीं ना कहीं किसी चीज का कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता, इसलिए लाइफ में क्या कहता है पोस्ट मॉडर्निज्म, टू सेलिब्रेट द फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन को सेलिब्रेट करने की बात करता है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया, अब हम आगे के थिंकर्स, इसमें तीन कौन है, ये तीनों कह रहे हैं आपके फिलोसफर्स हैं, अब मैं आता हूँ नॉवलिस्ट की लिस्ट पर, ठीक है, तो फटाफट पोस्ट मॉडर्निज्म में जो नॉवलिस्ट के एग्जाम्पल्स हैं उनको देख लेते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप लिख देंगे तो हम लोग इसमें लिख लेते हैं प्रोमो नॉवलिस्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है,
पोस्ट मॉडर्निज्म के थ्रू नॉवलिस्ट कौन कौन से हैं। अभी मैंने पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकर्स बताए थे, फिलोसफर्स, अब नॉवलिस्ट पर बात होगी, ठीक है। और इससे पहले आप लोगों को एक ये दिखा दे रहा हूँ, उसमें कुछ की टर्म्स, इससे रिलेटेड की टर्म्स पोस्ट मॉडर्निज्म से। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये पूरी रिसर्च करके आया हूँ मैं। 5-10 मिनट का छोटा सा टॉपिक है, मतलब काफी स्कोरिंग है, तो सारे बच्चे यहाँ पर देखना। पोस्ट मॉडर्निज्म से रिलेटेड क्या क्या की टर्म्स है, आइए उनकी लिस्टिंग कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपके एग्जाम में इस बार बहुत ज्यादा पूछा गया है वो है मेटाफिक्शन। क्या है? मेटाफिक्शन, ठीक है। पहले लिस्टिंग कर ले रहे हैं सारे साथी, लिख देंगे मेटाफिक्शन। पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर की टर्म्स में आएगा मेटाफिक्शन, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ रहे हैं, वो है एंटी नॉवल। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है एंटी नॉवल, ठीक है। अब एंटी नॉवल जहाँ लिखा है, इसके साथ साथ ही यहाँ पर इसके फादर का नाम लिख लो। एंटी नॉवल के फादर का नाम है एलन रॉब गिलेट। स्पेलिंग देख लेना साफ साफ, एलन रॉब पहले लिखा दे रहा हूँ, तो ज्यादा स्टोरिंग और नया टाइप का है उसमें लिखा दे रहा हूँ। तो फ्रेंच नॉवलिस्ट है और इनका एक वर्क है जेलेसी, नोट कर लेना जेलेसी, ठीक है। 1957 में आया है नॉवल। सारे बच्चे नेट वाले स्पेशली होमवर्क कर लिए इस नॉवल पे, ठीक है। एंटी नॉवल का एग्जांपल है, एंटी नॉवल क्या होता है उसके बाद बात में कर लेंगे, ठीक है। एंटी नॉवल बाय एलन रॉब गिलेट, हु इज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट, हिज वर्क इज जेलेसी, दिस वाज पब्लिश्ड इन 1957। मेटा फिक्शन एक टर्म हो गया, इस पर बात होगी अभी। इसके अलावा नेक्स्ट टर्म है फैबुलेशन। क्या है? फैबुलेशन, FABULATION, फैबुलेशन, ठीक है। फैबुलेशन, अब ये टर्म किसने दिया है गाइस? रॉबर्ट स्कोल्स ने। किसने दिया है? रॉबर्ट स्कोल्स, जो कि एक नैरेटोलॉजिस्ट है। क्या है? नैरेटोलॉजिस्ट, रॉबर्ट स्कोल्स ने दिया है फैबुलेशन। मेटाफिक्शन भी रॉबर्ट स्कोल्स ने दिया है, तो यहाँ पर भी आप रॉबर्ट स्कोल्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक टर्म इसमें आ रहा है नोबे डी वोमेन, ठीक है। कई बार मैं आपने इसे पूछा था, ठीक है। एंड ओ सी ई ए यू, नोबे वोमेन, नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब वही है न्यू नॉवल, न्यू नॉवल, फ्रेंच वर्ड है नोवे रोमन, रोमन का मतलब नॉवल होता है फ्रेंच, बिल्डिंग्स रोमन याद आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा एक और टर्म है इसमें, जैसे कल हमने बात करी थी उस पर, तो भी लिखने में कोई बुराई नहीं, मैजिक रियलिज्म, ठीक है। मैजिक रियलिज्म, मैजिक रियलिज्म लिख लिया, एंटी नॉवल आ गया, ठीक है, मेटाफिक्शन हो गया। इसके बाद आप इसमें लिखेंगे एक लास्ट, इस बार की नेट में आया था ये क्वेश्चन, डील्यूज एंड गिटारी का, ये भी बहुत बड़े थिंकर है, इनका टर्म लिख दे रहा हूँ पहले, डी टेरिटोरियलाइजेशन। आपके लेक्चर में पूछ लेगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डी टेरिटोरियलाइजेशन, टेरिटरी से डी टेरिटरी बन गया, ठीक है, डी टेरिटोरियलाइजेशन, ठीक है। अब फटाफट मैजिक रियलिज्म आपको बताइए, कल हमने इसको जिक्र किया है, डी टेरिटोरियलाइजेशन पे इसके थिंकर का नाम, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस बार नेट में क्वेश्चन आया है इनसे, डीयूज एंड गिटारी, स्पेलिंग से लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, सारा का सारा फ्रेंच है, फ्रेंच पोस्ट मॉडर्न थिंकर, डेल्यूज एंड गिटारी, यस डी ई एल ई यू जेड, डेल्यूज एंड गिटारी, डी यू डबल टी ए आर, डी
डीटेरिटोरियलाइजेशन नेम का एक टर्म, ठीक है। देख क्लियर हो गया सबको, अब फटाफट मेटा फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं जल्दी से। मेटा फंक्शन, तो मेटा फंक्शन लिखे, अ नोवल विच क्रिटिसाइजेज इटसेल्फ। सर भाषा में लिखा रहा हूं, अ नोवल विच क्रिटिसाइजेज इटसेल्फ और सेल्फ रिफ्लेक्सिव नॉवल, अंडरलाइन सेल्फ रिफ्लेक्सिव, अ नॉवल विच क्रिटिसाइजेस इटसेल्फ और सेल्फ रिफ्लेक्सिव नॉवल विच हाइलाइट्स, यहां से बोल्ड हाईलाइट कैपिटल होगा, विच हाइलाइट्स द रोल ऑफ ऑथर, विच हाइलाइट्स द रोल ऑफ ऑथर in inventing the fiction, which highlights the role of author in inventing the fiction, which highlights the role of author in inventing the fiction, famous examples। अब इसमें list of writers आएंगे जो बहुत important है, novelist के नाम बता रहा हूँ, कुछ फेमस एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे ग्रेटेस्ट नॉवल जो पोस्ट मॉडर्निज्म में है वो है, आप इसने लिखा है, द फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमन, जॉन फाउल्स। पहला नाम आ जाएगा जॉन फाउल्स, पूरी क्लास फाइव स्टार रखते हैं इस ऑथर पे, फाइव स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट, जॉन फाउल्स, 100% लेक्चरर में नेट में क्वेश्चन पूछेगा, जॉन फाउल्स कहाँ के हैं, ब्रिटिश हैं, और इनका क्या है, द फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमन, क्या लिखा था इस पर, इस नॉवल के बारे में कुछ पॉइंट लिखाया था, यस, द फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमन, क्या कहते हैं इस पोस्ट मॉडर्न नॉवल को, द नॉवल विद डबल एंडिंग, इसकी दो एंडिंग इस नॉवल के अंदर ही लिखाई गई है, अल्टरनेट एंडिंग्स, द फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमन, फाइव स्टार रख दीजिएगा सीधा सीधा, जॉन फाउल्स के और भी वर्क्स को देख लीजिएगा साथियों। इनका दूसरा नॉवल भी लिखा दे रहा हूँ, मेगस, एग्जाम में पूछे हैं, दोनों ही एग्जाम्स में पूछ सकता है, लेक्चर में तो पूछा ही है, नेट में पूरा नहीं कितनी बार पूछ लिया है, मेगस, MAGUS, ठीक है, जॉन फाउल्स पहले राइटर हुए इंग्लैंड के, चाहे तो लिख लें ब्रिटिश, ठीक है। उसके बाद फिर जॉन फॉल्स के बाद दूसरी ब्रिटिश वुमेन आती है, एंजेला कार्टर, एंजेला कार्टर, ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन पूछेगा, एंजेला कार्टर, इनके नॉवल्स को आप देख लीजिएगा, मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पर होमवर्क लिख लीजिए। अच्छा चलिए, एक मिनट याद आ गया, अगले भी, द मैजिक टॉय शॉप, क्या नाम है, द मैजिक टॉय शॉप, एंजेला कार्टर का द मैजिक टॉय शॉप। तीसरा इस बार के नेट में पूछा था सेकंड शिफ्ट में, जॉन बार्ट, अमेरिकन है, जॉन बार्ट, ठीक है, जॉन बार्ट का द फ्लोटिंग ओपेरा, फ्लोटिंग ओपेरा, फ्लोटिंग ओपेरा, मुझे आप मत बताना जो लोग पीछे ट्राई करो, द आर्टिस्ट ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड किसने लिखा है, द आर्टिस्ट ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड, इसी नाम से मिलता जुलता है, फ्लोटिंग से ही एक बहुत फेमस नॉवल है, बाकी बच्चे ट्राई करें, द आर्टिस्ट ऑफ द फ्लोटिंग इन द फ्लोटिंग वर्ल्ड, तब तक लिख लें आप लोग, इससे कंपैरिजन दे रहा हूँ, एक मिनट तक उसका नाम क्या दे रहा हूँ, द आर्टिस्ट इन द फ्लोटिंग वर्ल्ड, हिंट दे रहा हूँ मैं, जैपनीज है, जैपनीज
Japanese Nobel Prize winner है काजियो इशिगुरो. क्या नाम है? काजियो इशिगुरो. नोट कर लेना, देखो नाम लिख रहा हूं मैं, काजियो इशिगुरो, इशिगुरो. ठीक है, ये जापानीज नोबेलिस्ट है. नेट में क्वेश्चन 5 बार पूछा है पिछले 5 पेपर्स में. काजियो इशिगुरो जापानीज नोबेल प्राइज विनर. वर्क का नाम क्या बताया मैंने? द आर्टिस्ट इन द फ्लोटिंग वर्ल्ड. कंपेयर किससे किया मैंने? द फ्लोटिंग ओपेरा से. फ्लोटिंग ओपेरा किसने लिखा है? जॉन बार्ट. जॉन बार्ट कहाँ के? अमेरिका. कंट्री का नाम याद रखते रहो. चलो क्लियर हो गया. फोर्थ नोबेलिस्ट आते हैं, थॉमस पिंचन. थॉमस पिंचन इस बार हमारे क्यूट में पूछे गए हैं. थॉमस पिंचन अगेन अमेरिकन पोस्ट मॉडर्न राइटर. थॉमस पिंचन PYNCHO में थॉमस पिंचन. ठीक है, इनका एक नॉवल है. एक तो है इनका स्लॉटर हाउस. क्या है? स्लॉटर हाउस. स्लॉटर हाउस बताइए आपको, जहाँ जानवरों को मारा जाता है. ठीक है, स्लॉटर किया जाता है, बूचड़ खाना किसी को हो गया. ठीक है, और इसके अलावा इनका जो एक बहुत फेमस डेब्यू नॉवल है वो है बी. बी डॉट, बस ऐसे ही लिखना, बी लिखना और डॉट लिखना. टाइटल ही है ये नॉवल. ये पूछा है बी डॉट. देख लिया सबने. फिर नेक्स्ट हम फिफ्थ राइटर आते हैं. यहाँ लिख दिया फिफ्थ राइटर. फिफ्थ राइटर आएंगे हमारे बार्थलेन. अगर हम बात करें डेविड बार्थलेन, स्पेलिंग देख लेना, BARTHLENE. बार्थलेन में, बार्थलेन में बोलते हैं इनको. ठीक है, तो ये आ जाएंगे. इनका वर्क अभी ये शॉर्ट स्टोरी राइटर है. आप लिखेंगे अमेरिकन है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है. इनके पोस्ट मॉडर्निज्म में भी इनके कंट्रीब्यूशन बहुत है. ठीक है, तो इनका मैंने लिखा नहीं है, इसको आप देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बट इनका नाम आ जाएगा कि पोस्ट मॉडर्निज्म में है कि नहीं. ठीक है, बस इसके अलावा अगर हम देखें बड़े बड़े इसमें टच करते हुए तो डेल्यूज एंड केटारी इक्वारिया. एक राइटर और आ जाएंगे आपके अमेरिकन मार्क्सिज्म में. मैंने बोला था अमेरिका में मार्क्सिज्म बहुत अनकॉमन है क्योंकि अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, बट अमेरिका का मार्क्सिज्म है बहुत फेमस. उनका नाम लिख देते हैं फ्रेडरिक जेम्सन. पोस्ट मॉडर्निज्म में है. आप यहाँ पर नॉवलिस्ट नहीं लिखेंगे उनको, आप सीधा बस खाली नाम लिख दीजिए. नॉवलिस्ट नहीं है मतलब सिक्स्थ नंबर नहीं आएगा. आप चाहे तो क्रिटिक या फिलोसोफर लिख सकते हैं. फ्रेडरिक जेम्सन. ठीक है, आप इसे भी इनको डिफाइन कर दीजिए, अमेरिकन मार्क्सिस्ट एंड पोस्ट मार्क्सिस्ट पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर. होमो थिंकर, अमेरिकन मार्क्सिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर फ्रेडरिक जेम्सन. फ्रेडरिक जेम्सन का वर्क हम लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है गाइस, लेट कैपिटलिज्म. एग्जाम में काफी बार पूछा गया वर्क है फ्रेडरिक जेम्सन का, लेट कैपिटलिज्म. हाईलाइट कर दीजिएगा. ठीक है, और अच्छा यहाँ पर एक राइटर मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं मिस कर रहा था सिक्स पॉइंट. ये तो खाली एक थिंकर का नाम आ गया तो मैंने लिखवा दिया. सिक्स फास्ट फाइनल राइटर लिखा रहा हूँ पोस्ट मॉडर्न नॉवेलिस्ट की सीरीज में. यही आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है. यूटी में पूछा है मिलन कुंदेरा. नेट में तो दो तीन बार पूछा है. इंडियन नेम लगता है मिलन कुंदेरा. वैसे चेकोस्लोवाकिया के हैं. चेक नॉवेलिस्ट, कंट्री की स्पेलिंग देख लेंगे. चेक नॉवेलिस्ट, चेकोस्लोवाकिया. ठीक है, आई थिंक बाल्कन नेशंस में होता है. ठीक है, और मिलन कुंदेरा जो है ये एक पोस्ट कॉलोनियलिस्ट भी है, थिंकर भी है और नॉवलिस्ट भी है. इनका एक वर्क है सिटी लाइफ. सिटी लाइफ, ठीक है, सिटी लाइफ इनका वर्क है. अब जब चेक वर्ड से सर्कल कर लो, जैसे एक थिंकर का नाम दिखा देता हूँ, चेक प्लेराइट आ जाएगा.
लेक्चर में पूछेगा कंट्री, पूछेगा टॉम स्टोपार्ट। कंट्री से तुम्हें याद हो जाएगा, जब कंट्री का बात आएगा तो वहां से टॉम स्टोपार्ट का नाम भी लिखो, टॉम स्टोपार्ट। टॉम स्टोपार्ट ने शेक्सपियर के प्लेस को मॉडर्न एरा में एडाप्टेशन किए हैं। टॉम स्टोपार्ट का एक फेमस कैरेक्टर प्ले है रोजेंजेंट्स एंड गेंडेलस्टर्न आर नॉट हियर, याद आ रहा है? ठीक है, बताया था मैंने रोजेंजेंट्स एंड गेंडेलस्टर्न कौन से फेमस प्ले के कैरेक्टर से ही है, हैमलेट, रोजेंजेंट्स एंड गेंडेलस्टर्न, ठीक है, आर नॉट हियर। इन्वर्टेड कॉमा हाईलाइट स्पेलिंग के लिए भी कैरेक्टर्स है रोजेंक्रेंट्स, मैं पढ़ दे रहा हूँ स्पेलिंग, आर ओ एस एन सी आर ए एन टी जेड, रोजेंक्रेंट्स एंड गिल्डेंस्टर्न, जी यू आई एल डी ई एन एस टी ई आर आई, रोजेंक्रेंट्स एंड गिल्डेंस्टर्न आर नॉट डेड। कौन से फेमस प्ले के ये कैरेक्टर्स हैं, हैमलेट। हैमलेट के माइनर कैरेक्टर्स को लेते हुए टॉम स्टोपार्ट ने ये प्ले लिखा है, ठीक है, रोजेंक्रेंट्स एंड गिल्डेंस्टर्न आर नॉट डेड। छूटा तो नहीं किसी का कुछ, हैमलेट के और क्या लिखेंगे, शेक्सपियरियन प्ले राइट है। मेन पॉइंट क्या है आपके लेक्चर में क्वेश्चन बनेगा कि टॉम स्टोपार्ट कौन सा मॉडर्न प्ले राइट है जिसने शेक्सपियर के प्लेस को अडेप्ट किया है। ठीक है, जब मैं इनकी बात कर रहा हूँ तो एक और प्ले राइट की बात कर देता हूँ जिसने क्या लिखा है, बिंगो। बिंगो किसने लिखा है, बिंगो आया है कि नहीं एग्जाम में, ये बिंगो प्ले किसने लिखा है, ढूंढ के लाना फिर। ठीक है, बिंगो रीटेलिंग ऑफ किंग लियर है। ठीक है, तो बिंगो प्ले किसने लिखा है, क्वेश्चन मार्क लेके, क्वेश्चन आएगा लेक्चर में छोड़ना मत, जो होमवर्क दे रहा हूँ सारे इम्पोर्टेंट। ठीक है, किसी को अगर याद आ रहा है तो बता दो, मैं बता देता हूँ। चलो कुछ, एडवर्ड बॉन्ड किसने लिखा है, एडवर्ड बॉन्ड, बॉन्ड से याद रखना, पी फॉर बॉन्ड, पी फॉर बिंगो। ठीक है, हाँ लियर वाले, बिल्कुल लियर भी लिखा है, बिंगो भी उसी की लियर की ही रिटर्निंग, एडवर्ड बॉन्ड। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अडैप्टेशन ऑफ, ठीक है, तो समझ में आया सबको, पोस्ट मॉडर्निज्म को पूरा चीरफाड़ कर दिया हमने, ठीक है, खत्म कर दिया है इसको। अब जितने पॉसिबल क्वेश्चंस थे जहां से पूछ सकता था बेसिक लेवल पर, अब नेट की तो कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस है, बट स्टिल जितना पॉसिबल था वो मैंने कर दिया है, तो अब इससे बाहर नहीं जाना है। किसी को आपको रिवाइज करना है, एटलीस्ट फॉर लेक्चरर लेवल मैं इतना कह सकता हूँ कि बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस इससे आएंगे, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है,